उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन इकाई द्वारा अध्यक्ष SK D के तत्वावधान में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के लक्ष्मीबाई पार्क में अन्य ट्रेड यूनियन के साथ सम्मिलित होकर 2 दिवसीय हड़ताल किया, जिसके संबंध में एसोसिएशन के सचिव अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में अलग से कमेटी बनाई जाए। इस अवसर पर मनोज श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, प्रवीण द्विवेदी, अशोक कुमार, आनंद पांडे सहित आदि लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के सचिव अखिलेश उपाध्याय ने कहा, मेरा नाम अखिलेश उपाध्याय है, गोरखपुर यूनिट सेक्रेटरी हूँ मैं। हम लोग उत्तर प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से हैं, जो कि FMRI से एफिलिएटेड है, CITU से एफिलिएटेड है, और 2 दिवसीय हड़ताल पे हम लोग हैं। आज 28 और 29 मार्च राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हम लोगों की। हम लोगों की चूँकि MR एसोसिएशन से है, MRs की अपनी अलग दिक्कत होती है। आज की डेट में 11 ट्रेड यूनियन लगभग हैं स्ट्राइक पे, तो इसमें हम लोग दवा के दाम पे जो GST लग रही है उसको हम लोग ये चाहते हैं कि गरीब से गरीब तबका आदमी खरीदता है और बड़े से बड़ा आदमी खरीदता है। बड़ा आदमी तो खरीद सकता है, लेकिन गरीब से गरीब तबका क्यों GST देगा? ये हम लोग बराबर इसका विरोध करते हैं कि इसको हटाई जाए। MR जो काम करते हैं वो डॉक्टर्स की कॉल करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए काम करते हैं, जबकि उनसे ये कहा जाता है कि हाँ सारा डाटा भी बनाइए, सारी चीज़ें भी करिए। तो काम तय होना चाहिए, जो कि इसके लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लाई एक्ट हम लोगों को प्राप्त है, 1976 में बना हुआ था, वो लागू करने के बजाय आज के केंद्र सरकार और UP सरकार उसको तोड़ने में लगी हुई है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, लोग जान रहे हैं कि 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में एकत्रित कर दिया गया, समाहित कर दिया गया है, जिसमें हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लाई एक्ट पे भी ये अटैक है, जिसके लिए हम लड़ने को तैयार हैं और लड़ेंगे। ये मिनिमम वेज 26,000 को लेकर हम लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं कि ये तय होना चाहिए कि कम से कम आज के रेट में जो महंगाई है, 2 बच्चे मियाँ बीबी माँ बाप को लेके ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तय होता है कि एक परिवार को 26,000 रुपये आज के डेट में हमें चाहिए। वर्कलोड इतना ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका जो है हम लोग विरोध करते हैं। 5% GDP जो स्वास्थ्य पे होना चाहिए उसके लिए हम जो है डिमांड कर रहे हैं SP एक्ट को लागू करने के लिए, जैसा कि हमने बताया ही आज के डेट में कंपनियां सर्विलांस पे ये गजट पे काम करवा रही हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं कि जिसमें पुलिसिंग की जाए, हम लोग काम करते हैं तो काम को काम के तरह से होना चाहिए, काम के घंटे तय होना चाहिए। इसके विरोध में हम लोग आज के डेट में 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। अभी 19 जनवरी को भी थे, आज 2 दिन के हड़ताल पर भी हैं जी। मांगे हमारी हैं कि ये जो 11 सूत्री मांगों के लेके हम हड़ताल पे हैं, इसको जो है कम से कम पूरी किया जाए। नहीं पूरी होगी तो आगे भी फिर हम जो है जहाँ तक होगा हम लड़ाई लड़ेंगे।